जिसको आ रहा आने दीजिए। हाँ बहु ठीक है बहु, तो हम क्या कर रहे थे, सर्कुलर मोशन बता रहे थे सर्कुलर, जैसे ये हो गया ठीक है ना, तो इसको छोटा सा टॉय लो ना बाबू, छोटा सा टॉय लो ना, टॉय तो है ना, है ना, मान लो ये आपका टॉय है, तो इसको कैसे खेलते हो, फिर ऐसे करके सर्कुलर मोशन में ट्रैक के पे क्या करोगे, मूव करवाओगे है ना, अगर ऐसे करके सर्किल में मूव करवाओगे, वो सर्किल में मूव करवाओगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वो सर्कुलर मोशन कहेंगे ना, ये सर्किल में मूव कर रहा ना, तो इसको क्या कहेंगे बाबू, सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट है बाबू रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन क्या होता है बाबू, जो रोटेशनल मोशन, अच्छा ठीक है, रोटेशनल मोशन क्या होता है बाबू, ठीक है ना, रोटेशनल को कैसे समझा बाबू, कुछ नहीं समझाना है ना, कुछ नहीं, देखते हैं सर, एक बॉल को स्पिन कर दीजिए, आपको ना सुनिए, तब हम बहुत हो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ही रेट कर रहे हो, ठीक है वो रोटेशनल मोशन का जैसे सबसे सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है बाबू, ठीक है ना, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या, जो आप लोग व्हीकल चलाते हो ठीक है ना, वो जो ड्राइविंग करते हैं ना बाबू, ये फोर व्हीलर हो गया, तो उसका जो टायर होता है बाबू, उसका जो टायर होता है बाबू, जो टायर होता है, जैसे मान लो आप ड्राइविंग कर रहे हैं ना बाबू, कोई भी व्हीकल हो गया ना, टू व्हीलर हो गया, फोर व्हीलर हो गया, साइकिल हो गया है ना, तो इसका जो टायर होता है बाबू, टायर जो होता है वो क्या करता है, रोटेट करता है ये बाबू, टायर क्या करता है, रोटेट करता है, रोटेट करता है, टायर क्या करता है, एक एक्सिस चलाऊं क्या करता है बाबू, रोटेट करता है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे, मतलब क्या सर, नहीं समझ में आया, ठीक है, अरे शैतान मेरे, देखो ये मान लो कुछ है, ये होगा तब ना, दिख रहा है शैतान, ये मान लो छा सा कोई चक्का है ना, और ये क्या करेगा शैतान, देखो ये क्या करे, आगे बढ़ रहा, आगे बढ़ रहा, आगे बढ़ रहा है ना, इस तरह से बाबू, ठीक है ना, ये जो ये है बाबू, तो ये जो चक्का है बाबू, जो ये व्हील है, ठीक है ना, ये जो व्हील है बाबू, ठीक है, ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वो रोटेशनल मोशन कहेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे, है ना, रोटेशनल मोशन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बाबू पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या होता है बाबू, वैसा मोशन बाबू, आपको बताया था एक पीरियोडिक समझिए, ठीक है ना, फिर आ रहा ना, आप शैतानी कर लिए ना बाबू बैकग्राउंड अपना, अभी बोलिएगा ना कि मेरा नेटवर्क नहीं आता, ये नहीं आता है, तो अपना आप समझिएगा, अब सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा आरन बाबू, आरन चलिए ठीक है, तो सुनाई दे रहा तो अच्छी बात है, बोलिए जानवी क्या बोल रहे हैं बाबू, जानवी कुछ बोल रहे हैं, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, सर जो रोटेशनल मोशन होता है वही सर्कुलर मोशन होता है, उसमें डिफरेंस होता है, अच्छा ठीक है, चलिए बाबू ठीक है, समझ गया आपकी बात, देखिए बाबू सर्कुलर मोशन क्या होगा, वो होल ट्रैक, होल ऑब्जेक्ट बाबू, होल ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव करना चाहिए, ठीक है ना, होल ट्रैक बाबू, जैसे होल जो ऑब्जेक्ट है बाबू, ठीक है, होल जो ऑब्जेक्ट है बाबू, कहां से आपको बताएं, ठीक है, मान लो ना ये व्हीकल है, जैसे मान लो इसमें व्हीकल है, ठीक है ना बाबू, तो अगर ये क्या करे बाबू, ये क्या करा, एकदम सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो सर्कुलर मोशन कहेंगे, और रोटेशनल मोशन क्या करेंगे बाबू, रोटेशनल मोशन किसको कहोगे, जो ये टायर है बाबू, तो ये टायर का जो मोशन होता है बाबू, जो व्हीकल है, व्हीकल का नहीं, व्हीकल का बाबू जो टायर होता है, जो व्हील होते हैं, उसका जो मोशन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं, जो व्हीकल है ना बाबू, इसका देखो देखते हो ना बाबू, ठीक है ना, इसका जो मोशन होगा वो उसको क्या कहोगे, रोटेशनल मोशन कहोगे, रोटेशनल मोशन कहोगे, ठीक है ना, ठीक है, मोशन सर, पीरियडिक मोशन बता रहे ना शैतान दिमाग का, जैसे बाबू मान लो क्या, ये मान लो आपका क्या एक व्हीकल है ना बाबू, ये आपका व्हील है ना, व्हील है, ठीक है, तो इसको रोटेट कराओगे वैसे, इसको रोटेट कराओगे, शैतान गिर गया ना नीचे, ठीक है, तो इसको जब रोटेट कराओ, कोई व्हील ले लो, ठीक है ना, तो व्हील का जो मोशन होता है ना, वो व्हील का जो मोशन होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन कहते हैं, उसको रोटेशनल मोशन कहते हैं, व्हील के मोशन वाले को, ठीक है ना, और आपका जो पूरा व्हीकल है बाबू, जो पूरा व्हीकल है, इसको अगर सर्कुलर ट्रैक पे मूव कराओगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा, समझी जानवी, सर रोटेशनल मोशन सिर्फ व्हील का होता है, हाँ बाबू जनरली उसी का हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है ना, आप लोग अपने लेवल के अनुसार उसी का मानिए, है ना, अभी आप लोग का लेवल हाई नहीं हुआ, फिर आगे बहुत इसमें पढ़ना, रोटेशनल ट्रांसलेशनल, ठीक है ना बाबू, ओके सर, ठीक है बाबू, नेक्स्ट बाबू क्या, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन एक बार और समझाए थे बाबू, पीरियोडिक मोशन एक बार आप और आपको समझाते हैं, पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है बाबू, जो सर्टेन टाइम के बाद, सर्टेन टाइम के बाद अपने मोशन को पुनः रिपीट करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, पीरियोडिक मोशन कहेंगे, नहीं समझ में आया, पेंडुलम क्लॉक में समझाए थे, पेंडुलम नहीं सर, एक क्लॉक था उसमें समझाए थे, टाइप्स ऑफ क्लॉक में, अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर से समझिए, ठीक है बाबू,
एक सर्टेन टाइम के बाद बाबू, सर्टेन टाइम के बाद बाबू अपने मोशन को फिर से क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है ना। सर्टेन टाइम के बाद बाबू अगर वो मोशन को रिपीट कर रहा, मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब समझो समझो। जैसे सबसे इसका अच्छा एग्जांपल जानते हो क्या बाबू, बाबू सबसे अच्छा एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है, आप अपने डेली सिंपल पेंडुलम, ठीक है, ठीक है बाबू, ठीक है, सिंपल पेंडुलम तो है ना, रियल लाइफ से रिलेट कीजिए, है ना। जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है बाबू, आप लोग डेली क्या जाते हो, स्कूल जाते थे पहले, है ना, तो लॉकडाउन हो गया ना, तो मान लो बाबू आप डेली स्कूल जाते हो, ठीक है, तो मान लो आपके स्कूल का टाइम कितना बाबू, 8 AM है मॉर्निंग में, है ना, 8 AM है ना। तो मंडे को बाबू कहाँ गए, इस टाइम में स्कूल गए, मंडे को बाबू इसी टाइम में जाओगे स्कूल, है ना, ठीक है सर, ठीक है, स्कूल गया। ट्यूजडे जब आएगा बाबू, नेक्स्ट जब ट्यूजडे आएगा, तो ट्यूजडे को भी इसी टाइम में जाओगे स्कूल, 8 AM में ही जाओगे, है ना बाबू, ट्यूजडे को भी इसी टाइम में जाओगे कि नहीं, ठीक है सर, ट्यूजडे को भी इसी टाइम में। नेक्स्ट बाबू अगर वेडनेसडे भी आएगा, वेडनेसडे भी आएगा बाबू, तो वेडनेसडे को भी क्या जाओगे, इसी टाइम में स्कूल जाओगे, है ना, है ना बाबू, वेडनेसडे को भी क्या जाओगे, इसी टाइम में स्कूल जाओगे, है ना। मतलब यहाँ पे क्या देख रहे हो बाबू, चौब यहाँ से मंडे से ट्यूजडे बाबू, मंडे मॉर्निंग 8 AM से ट्यूजडे, आज सुबह से कल सुबह तक कितने आवर होंगे, 24 आवर होंगे, है ना सैतान, आज सुबह से बाबू कल सुबह तक के कितने आवर होंगे, 24 आवर होंगे, है ना, ठीक है सर, एंड 6 मिनट, ठीक है, आज सुबह से कल सुबह तक बाबू कितने, 24 आवर होंगे। तो 24 आवर के बाद बाबू आप अपने मोशन को रिपीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जैसे आज सुबह 8 बजे उठे, स्कूल निकल गया, ठीक है, फिर स्कूल से रिटर्न आया, अपना फ्रेश हुआ, सब काम किया, होमवर्क वगैरह किया, है ना बाबू, टीवी देखे, गेम पबजी देख खेला, फ्री फायर खेला, सब कर लिया, फिर बाबू कल सुबह 8 बजे भी तो यही करोगे, कल सुबह 8 बजे उठे बाबू, फिर तैयार हो गए, स्कूल जाओगे, फिर वही डेली रूटीन करोगे, फिर नेक्स्ट डे जब आएगा बाबू, तो पुनः 8 बजे क्या करोगे, उठोगे, जाओगे, फ्रेश होगे, फिर क्या स्कूल जाओगे, फिर आओगे, है ना। तो पुनः बाबू ये क्या कर रहा है, अपने बाबू क्या किया, एक मोशन को रिपीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे, मैंने 24 आवर के बाद 24 घंटे के बाद अपने मोशन को रिपीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, पीरियोडिक मोशन कहेंगे, ऐसे मोशन को क्या कहेंगे, पीरियोडिक कहेंगे, मतलब क्या सर, ठीक ना, मतलब क्या सर, कि अगर एक सर्टेन टाइम के बाद बाबू, सर्टेन टाइम के बाद आप अपना उसी मोशन को रिपीट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, पीरियोडिक मोशन कहेंगे, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे, ठीक है ना, ठीक है। और इसको अच्छे से समझना तो समझिए, है ना, जैसे कौन म्यूट कीजिएगा बाबू, 2-3 वो लड़का है ना, बहुत परेशान करता, ठीक है, जैसे आप गाड़ी चलाएं, ठीक है बाबू, ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ पे बाद मान लो 1 AM में, 1 PM में, 1 बजे गाड़ी चलाएं, ठीक है बाबू, और बाबू मान लीजिए कि 1:30 बजे आप गाड़ी को यहाँ पहुँचा दिए, है ना बाबू, 1:30 PM में गाड़ी आपका यहाँ आ गया, ठीक है बाबू, ठीक है। फिर बाबू इस गाड़ी फिर यहाँ आएगा, मान लो इधर से फिर रिटर्न होगा तो यहाँ आएगा, फिर गाड़ी बाबू क्या किए, फिर बाबू क्या किए, 1 PM हो ना बाबू, ठीक है, फिर 1 घंटे के बाद बाबू 2 बजे फिर पुनः गाड़ी को यहाँ से लेके यहाँ गए, ठीक है, फिर बाबू गाड़ी घूम के यहाँ, फिर गाड़ी बाबू क्या किया, 3 बजे बाबू फिर यहाँ से लेके यहाँ गए। तो ये क्या हो रहा है बाबू, 1 घंटे के बाद क्या हो रहा है बाबू, अपने मोशन को रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 1 घंटे के बाद वो जैसे 1 बजे गाड़ी यहाँ से स्टार्ट किया, पुनः कुछ दूर तक चले, मान लो आप दादी घर से गए, नानी घर गए, नानी घर से लौट के आए बाबू 2 बजे, पुनः बाबू आप 2 बजे फिर नानी घर से नानी घर की ओर निकल गए, फिर बाबू 3 बजे आए लौट का, फिर 3 बजे नानी घर की ओर चल गए। तो 1 घंटे के बाद बार बार आप नानी घर जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, उसी मोशन को रिपीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो जब कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट बाबू वही एक सर्टेन टाइम के बाद, हमेशा बाबू टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, 10 आवर हो सकता है, 1 डे हो सकता है, 2 डे हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है ना, टाइम कुछ भी हो सकता है। तो सर्टेन टाइम के बाद अगर आपने समझने के लिए इसमें आप कुछ लिखाएंगे शैतान, लिखाएंगे हरेक डिफाइन करेंगे, ठीक है। बहुत सर्टेन टाइम के बाद वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, सर्टेन टाइम के मोशन को अगर रिपीट कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे, है ना, वो उसको क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है बाबू, नेक्स्ट जो है ऑसिलेटरी मोशन, है ना, आज तो पूरा मोशन में डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट जो है बाबू क्या है, ऑसिलेटरी मोशन, है ना, ऑसिलेटरी कैसे किसको कहोगे, ठीक है ऑसिलेटरी कैसे किसको कहोगे, ऑसिलेटरी मोशन क्या होगा बाबू, ऑसिलेटरी मोशन क्या होगा, एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा, वो ऑसिलेशन होता है, जहाँ पे बाबू ऑसिलेशन होगा, ठीक है ना, जहाँ पे बाबू क्या होगा, ऑसिलेशन होगा। जैसे सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम क्या बाबू, एक सर्टेन पॉइंट के बाद क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है ना शैतान मेरे, सर्टेन पॉइंट के बाद ए टू बी, बी टू ए, फिर ए टू सी और सी टू ए, सर उसको वो जब खत्म होगा तो वन ऑसिलेशन, ठीक है, मैंने बोलना जरूरी रहता है सुजीत, चलिए ठीक है बाबू।
ये मान लीजिए बाबू क्या एक पेंडुलम है, ठीक है ना, स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है ना, स्टार्टिंग में बताया था बाबू, है ना। फिजिक्स कुछ है ये नहीं है जो आप रियल लाइफ में डेली एक्टिविटी करते हो, बचपन में जो खिलौने से खेले हो बाबू, खिलौना चलाए हो, मोशन करते हो, उसी को हमको समझाना बस, ठीक है बाबू। तो ये बाबू क्या है, मान लीजिए आपका क्या हो गया, एक सिंपल पेंडुलम तैयार हो गया है ना सेतन मेरे, ठीक है। तो इसको ऐसे मोशन करो, इसको क्या करो पकड़ के ऐसे ऐसे मोशन करो, ठीक है ना, ठीक है। तो एक मान लो यहाँ इसका क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे इसका क्या बाबू मीन पॉइंट अथी यह है बाबू मीन पॉइंट है ना बाबू, ठीक है बाबू। जैसे यहाँ पे बाबू क्या नॉर्मल स्टेट में पेंडुलम रखोगे तो ऐसे रखेगा, ऐसे रखेगा ना। अब बाबू क्या करना, इस पॉइंट के अलावा अब इसको क्या करो मोशन करो, तो ये जो पॉइंट मार्कर दिख रहा है वो इस पॉइंट के अलावा क्या कर रहा है, इधर उधर क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है ना। इस पॉइंट के अलावा बाबू क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है ना, ये मार्कर के अलावा, मार्कर से क्या हो रहा है वो इधर उधर जा रहा है ना। तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे चेतन मेरे, ऐसे मोशन को क्या कहेंगे वो ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे, है ना। इस मार्कर के अलावा मानो मार्कर के अलावा क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो मार्कर पे आ रहा जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आया गया आया गया आया गया। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, ये भी एक टाइप का मोशन है ना बाबू, इस जिसमें बाबू पोजीशन चेंज हो गया। अरे शैतान रुकिए ना बाबू, जिसमें भी पोजीशन चेंज हो गया तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, ठीक है पोजीशन चेंज हो गया तो वो मोशन हो गया, ठीक है ना। अब इसमें कैसन मोशन हो रहा था, ऐसे जो मोशन हो रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे, ठीक है ना। बोले नारायण बाबू। सर ये जो अभी आप मोशन पढ़ाए ऑसिलेटरी मोशन, इसमें भी तो सर ऑब्जेक्ट बॉडी जो है वो अपना रिपीट कर रहा है। हाँ बाबू, तो ये ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होगा बाबू सर, ऑसिलेटरी मोशन बाबू पीरियोडिक हो सकता है, लेकिन और पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होगा। ठीक है सर, यही पूछना था। ठीक है ना, ऑसिलेटरी मोशन बाबू पीरियोडिक होगा क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है ना। यानी सर ये जो गाड़ी वाला आप एग्जांपल दिए दादी घर से नानी घर, सर इसमें एक बजे से जो एक तीस तक नानी घर गया कोई भी व्यक्ति और उसके बाद दो बजे वहां फिर से आ गया, तो एक ऑसिलेशन हुआ, तो वही से समझा जा सकता है इसको बाबू, ऑसिलेटरी नहीं कर सकते हो क्यों सर, ठीक है ना। इसको कोई एक पॉइंट के अलावा टू एंड फ्लो नहीं ना कर रहा, टू एंड फ्लो होना चाहिए बाबू, बैक फॉरवर्ड बैक फॉरवर्ड बैक फॉरवर्ड, यहाँ तो गया फिर रिटर्न हुआ, आया फिर रिटर्न हुआ ना बाबू। तो इसको सर लगातार बैक एंड फॉरवर्ड होना चाहिए। हाँ बाबू, लगातार बैक एंड फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है ना बाबू। देखो ऑसिलेटरी को पीरियोडिक कह सकते हो, लेकिन पीरियोडिक ऑसिलेटर जैसे आप डेली स्कूल जाते हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे ऑसिलेटरी टू एंड फ्रो मोशन नहीं ना बाबू, एक पॉइंट के लॉन्ग नहीं ना कर रहे हो, टू एंड फ्रो ऐसे ऐसे मोशन नहीं ना करो, तो उसको आप लोग पीरियोडिक नहीं कहोगे, है ना, ठीक है। ऑसिलेटरी नहीं कहोगे, ऑसिलेटरी, ठीक है। तो इतना था बाबू, है ना, इतना था। इसको हम फिर से लिख देते, आप लोग अब लिखना शुरू कीजिए। ऐसे तो कल आप लोग लिखे ही होगे ना, अब लिखना शुरू करो। और सबसे पूछते हैं कल, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको लिखा देंगे। आप पूछते हैं बारी बारी से, कितना स्टूडेंट था नहीं समझा, खाले में घंटा बताए इसीलिए। तो इसी तरह हम पढ़ाते हैं बाबू, पहले कोई भी टॉपिक को समझा देते हैं, वीडियो दिखा देते हैं ना, जब वीडियो दिखाने की बात आएगा वो वीडियो दिखाएंगे ना, ठीक है। सर शर्मा जी समझ में आया बाबू, शर्मा यस सर समझ में आया, समझ में आ गया बाबू। तो आपके टॉपिक में पढ़ना है बाबू, ये कंसेप्ट क्लास है शैतान मेरे, ये प्रॉपर एट का क्लास नहीं है, प्रॉपर सेवन का नहीं है, ये कंसेप्ट क्लास है। आप लोग के साथ में शायद नहीं चला होगा, ठीक है ना, मेरे यहाँ कंसेप्ट क्लास ही चलता है, जहाँ बच्चे को बेसिक से बाबू हाई लेवल तक पढ़ाया जाता है। ओके सर। सर ये और एक डायग्राम में पहले बनाए थे उससे अलग है वाला। सर ये ड्राइंग फिर से बनाना है, कल जहाँ तक छोड़े थे बाबू वहाँ से कंटिन्यू कीजिए, कल यहाँ तक छोड़े थे ना, फिर से क्या बनाया, कल जहाँ जहाँ तक कल जहाँ तक छोड़े बाबू उसके बाद से कंटिन्यू कीजिए। फिर से क्या बनाएगा बाबू, कल जहाँ तक छोड़े बाबू उसके बाद फर्दर इसको कंटिन्यू कीजिए। आनंद सर अभी लिखाएंगे। यस सर। वीडियो 5 रुपया फाइन कर देना बाबू। नहीं सर अभी थोड़ा। हाँ थोड़ा क्या, थोड़ा हम पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, हमको भी थोड़ा पैसे की जरूरत है सर। आपको तो देखते रहते बोर्ड पे। ये क्या था हेडिंग था बाबू शैतान में, टाइप्स ऑफ मोशन हेडिंग था सर, हम लिखाएंगे। हाँ बाबू पहले इसको तो लिखे, लिख लिया सर, ठीक है म्यूट कर लीजिए जिसका भी। टाइप्स ऑफ मोशन था बाबू, है ना, टाइप्स ऑफ मोशन था। चलिए
आप बताइए किसको किसको कहाँ कहाँ डाउट है। पहले बाबा आप लोग नीचे में क्लास जब समझाते हो उस समय रिक्वेस्ट है कि उस समय मत बोलिए, जब पूरा क्लास फिनिश हो जाता समझा देते, क्योंकि बच्चे हो ना तो मन में तो डाउट आएगा ना, तो हो सकता है आपका डाउट आ जाए जो फिनिश हो जाए। बोलो डाउट है। बोलिए 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 बोलिए। सर पीरियडिक मोशन में वो एक जगह से दूसरी जगह मतलब एक सर्टेन टाइम में जाता है, और आपने क्वेश्चन में तो वही सकता है ना, बस वही सकता है ना। किसमें सर अपना हेड हटाइएगा थोड़ा सा। लीजिए लीजिए एक सर्टेन पोजीशन से दूसरे सर्टेन पोजीशन में उसको फिर से रिपीट कर रहा है मतलब पीरियडिक मोशन। हाँ पीरियडिक मोशन होगा ना, ऑसिलेटरी मोशन भी सेम है ना बाबू। देखिए ऑसिलेटरी को आप पीरियोडिक कह सकते हो, लेकिन सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होंगे बाबू, ठीक है ना। ऑसिलेटरी मतलब क्या बाबू, टू एंड फ्रो टाइप का मोशन, ठीक है ना, एक पॉइंट का, जैसे आप स्विंग करते हो, स्विंग झूला झूले ना बाबू, झूला झूले ना शैतान इस तरह से है ना बाबू, झूला झूले हो कि नहीं झूले हो कि नहीं है ना, तो झूला झूलते हो क्या क्या होता है, ऐसे होता है ऐसे होता है, एक सर्टन पॉइंट के क्या टू एंड फ्रो मोशन हो जाता है, तो झूला एट रेस्ट में यहाँ पे मान लो उसका भी ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो इस टाइप का मोशन को आप ऑसिलेटरी कहो, जहाँ पे स्विंग टाइप का होगा, स्विंग होगा बाबू है ना, ठीक है ठीक है, तो ऐसे मोशन को ऑसिलेटरी कहोगे, ठीक है ना। इसको पीरियोडिक भी कह, पीरियोडिक कह भी सकते हो, ठीक है ना बाबू, क्योंकि ये बाबू क्या है सर्टन टाइम के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है मोशन को, है ना। अच्छा सर और एक चीज, रोटेशनल मोशन में पूरा ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे या ओनली वो व्हील को, तो छोड़िए ठीक है ना, जैसे मान लीजिए बाबू आपका ये है, ठीक है ठीक है ये है, ठीक है ना, तो ये इसको आप कैसे मोशन करवा रहे हो, अगर इसको सिर्फ ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहे तो ये बाबू क्या हो गया, लीनियर मोशन हो गया। अब इसी में शैतान मेरे समझो, ठीक है, इसमें बाबू एक मान लीजिए ये कुछ ये इंसर्ट कर देते, ठीक है ना, अब बाबू क्या हो गया, ये एक्सिस हो गया, इसको हम लोग एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना, और इसको रोटेट करवाओ, ये रोटेट नहीं हो रहा ना, इसको रोटेट करवाओ, इसको क्या करो है ना, इसको रोटेट करवाओ, इसको क्या करो रोटेट करवाओ है ना, रोटेट करवाओ, ठीक है ना, तो ये बाबू क्या हो रहा है, इस एक्सिस के अलॉन्ग ये जो आपको स्टिक दिख रहा है बाबू, ये जो स्टिक दिख रहा है ये वाला लंबा सा है ना, इस एक्सिस के अलॉन्ग ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट करता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे ना, कोई सर्टेन बाबू कोई सर्टेन पोजीशन के अलावा अगर रोटेट कर रहा है तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे, रोटेशनल कहेंगे ना बाबू, इसको क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन। तो सर किसी मतलब एक सर्टेन ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ भी घूम रहा होगा तो उसको रोटेशनल मोशन कहेंगे। हाँ उसको गोल गोल घुमा दो तो उसको रोटेशनल कह सकते हो, ठीक है ना। चलिए सर। हाँ बाबू बोलिए शर्मा जी। सर सर्कुलेटरी मोशन एक बार बताइए ना। अरे सर्कुलर मोशन बाबू, आप ये देखे हो बाबू मौत का कुआं देखे हो जो सर्कस में होता है बाबू कभी कभार, उसको आप लोग इंग्लिश में कैसे डिफाइन करते हो, क्या उसको इंग्लिश में डिफाइन करते हो, जो मोटरसाइकिल चलाता है बाबू सर, ये सर कुआं में ना सर मौत का कुआं सर। हाँ बाबू तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हो बाबू, वेल ऑफ डेथ। जो भी रहा जो भी रहा, ठीक है ना, ठीक है, तो वहां पे क्या कर दो गाड़ी, जो गाड़ी है बाबू, जो गाड़ी है ठीक है ना, वो क्या करा एक सर्किल, ठीक है, जो ड्राइवर है बाबू, जो आपका मोटरसाइकिल उस पर जो ड्राइवर बैठा बाबू, देखे ना एक गोल गाल क्या रोटेट करा, एक गोल गाल रोटेट करता, तो वैसे टाइप के मोशन को क्या कहोगे बाबू, सर्कुलर मोशन कहोगे, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन कहोगे, ठीक है ना। ओके सर ठीक है। और उसी का मतलब जो चक्का है, जो चक्का बाबू, चक्का को स्थिर रख लो, चक्का को स्थिर कर लो, ठीक है ना बाबू, आपको जो पास व्हीकल है शैतान मेरे, ठीक है ना, जो व्हीकल है मान लो, कैसे आपको कैसे करके समझा बाबू, अरे रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे ये बाबू आपका व्हीकल हो गया, अब इसको क्या करो, ऐसे रोटेट करा इधर, तो ये क्या हो जाएगा, रोटेशनल मोशन हो जाएगा, रोटेशनल मोशन हो जाएगा, एक एक्सिस के अलावा क्या करेगा, ये रोटेट कर रहा है ना, तो ये रोटेशनल सर, फैन जब ऑन होता है वो भी तो यही इसी का एग्जांपल है। हाँ बाबू वो भी इसी का एग्जांपल है फैन। आपको अदित्य पूछना, अदित्य मुस्कुरा रहे, आज हमको बच्चा बना दिया सर, हमको बच्चा की तरह खिलौना खिला दे। सर लिखाइए ना, लिखिए बाबू। हाँ बाबू बोलिए। यस सर। सर रोटेशनल मोशन सिर्फ एक चीज का पार्ट में होता है,
हाँ बहुत जन एक चीज का पार्ट नहीं कह सकता शैतान मेरे, ठीक है ना, शैतान एक चीज का पार्ट नहीं कह सकता, ठीक है ना। जैसे जो मान लो आपके पास ये एक चीज का पार्ट किसमें, सिर्फ जो व्हीकल है बाबू, जो व्हीकल है उसमें कह सकते हो, ठीक है ना। चक्के का मोशन, रोटेशनल मोशन हो जाएगा। आपका अर्थ है बाबू, ठीक है ना, तो अर्थ में दोनों टाइप का मोशन, एक ट्रांसलेशनल होता है, रोटेशनल होता है ना बाबू। तो अर्थ जब अर्थ में देखो एक सर्कुलर मोशन टाइप इलेक्ट्रिकल पार्ट था ना बाबू, ठीक है। तो अर्थ में अब उसको हमको वीडियो दिखाना पड़ेगा, सोलर सिस्टम वाला एक बार तो दिखाया था ना बाबू, ठीक है ना। तो अर्थ बाबू क्या करता, देखो बाबू अर्थ जो है ना बाबू, एक बार ये बताया था ना सर, रोटेट का तो रिवॉल्व करता है। मान लो बाबू ये क्या करता, सन है, ये सन है और यह मान लो अर्थ है। तो अर्थ ऐसे क्या करता, सन के चारों ओर क्या करता, रोटेट, ये क्या करता, रोटेशन करता है ना। तो इसको बाबू आप लोग सर्कुलर मोशन करते हैं, ठीक है ना, रेवोल्यूशन हो गया। हाँ अच्छा ठीक है, ये बाबू ऐसे करके क्या कर, रिवॉल्व करेगा, इसको क्या करोगे, रेवोल्यूशन करोगे, है ना, मतलब ये सर्कुलर पाथ में बाबू। लेकिन अर्थ साथ साथ बाबू ये जो अर्थ का एक्सिस है, अर्थ अपने एक्सिस पर भी ऐसे ऐसे रोटेट करते चलता है, ऐसे ऐसे ये मतलब वो क्या करता है, रोटेट करते चलता है ऐसे, है ना। तो इसको क्या कहोगे बाबू, रोटेशनल मोशन कहोगे, ठीक है ना। दिखा दे इनका भी वीडियो मिलेगा, ठीक है। टाइम भी तो हो गया शैतान मेरे, इतना सब लिख लिया ना। यस सर, लिख लिया। हाँ तो जरूरी थोड़ी बाबू की डेली डेली लिखना ही चाहिए, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए ना सर। अच्छा हाँ बाबू बोलिए समय सर। अर्थ का जो एक्सिस होता है सर 66/2 डिग्री जो होता है सर, तो वो क्या होता है सर, मतलब जैसे आप फैन का बोले तो वो रेड होता है, क्या क्या होता बाबू समय बाबू सर? अर्थ का एक्सिस होता है ना सर वो, हाँ। तो सर एक्सिस जो होता है आप बोले थे एक, जैसे कि फैन में होता है एक रड होता है, तो अर्थ के अंदर भी कुछ होता है सर, अर्थ के अंदर तो नो सर, वो कुछ इमेजिनरी लाइन होता है, वो कुछ नहीं होता बाबू, वहाँ पे सिर्फ खाली इमेजिनेशन किया जाता है, ठीक है ना, कुछ नहीं है, रड वुड कुछ नहीं होता, ठीक है ना, इमेजिनेशन किया जाता है, ठीक है ना, इमेजिनेशन किया जाता है। ये जो बाबू इसके अराउंड क्या करता है, रोटेट करता है, इमेजिनरी होता है। अरे ये आसमान बहुत इस तरह से, मान लो ये सर वो पता है सर, पढ़े थे सर, फ्री में ही पढ़े। ये जो लाइन, हाँ बाबू ये जो लाइन वो इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना, ऐसा कल्पना किया जाता है कि अर्थ ऐसे इसका इस लाइन के लॉन्ग चारों ओर क्या करता है, वो रोटेट करता है ना। चलिए दिमाग ज्यादा मत लगाए आप लोग, इसी में लगा लिखिए बाबू, लीनियर मोशन हेडिंग दीजिए। ठीक है बाबू, लीनियर मोशन हेडिंग दीजिए बाबू। ब्लैक तो लगता खत्म हो गया। वेन बाबू, वेन बाबू बॉडी या ऑब्जेक्ट, वेन बाबू बॉडी या ऑब्जेक्ट मूव्स। किसका वीडियो बंद है? सियाना बाबू का ऑन कर ली, चलो ठीक है। जानवी का, सौर्या नहीं है, सौर्या बाबू नहीं हो क्या? सम्यक तो है नहीं है, सौर्या है ही नहीं, वो शैतान है, वो पढ़ता भी कम है। वेन बाबू बॉडी या ऑब्जेक्ट बाबू मूव्स, ठीक है बाबू, वेन बॉडी है बाबू, और लिख दो शैतान, छोड़ो सर ऐसे दो। वेन बाबू बॉडी या ऑब्जेक्ट बाबू मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मूव्स बाबू, मूव्स बाबू अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। वेन बाबू बॉडी या ऑब्जेक्ट बाबू मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट्स कॉल्ड बाबू लीनियर मोशन, इट्स कॉल्ड बाबू लीनियर मोशन, ठीक है ना, ठीक है बाबू, ठीक है। एग्जांपल क्या दोगे बाबू, ठीक है, एग्जांपल क्या दोगे बाबू, जैसे मोशन ऑफ बाबू, ठीक है ना, मोशन ऑफ बाबू व्हीकल विथ कांस्टेंट स्पीड, मोशन ऑफ बाबू किसका मोशन, व्हीकल, वी बाबू एच आई सी एल ई एस, व्हीकल्स विथ कांस्टेंट स्पीड, अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है विथ बाबू कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड कहने का मतलब बाबू अगर जिस स्पीड से वो जा रहा है, जैसे धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे जाता है, इसी से जैसे रहेगा, ना कभी तेज होगा, ना कभी स्लो होगा, ना कभी फास्ट होगा, है ना बाबू। तो ऐसे सर लेकिन कर्व भी दे सकता है, कर्व भी लिखना जरूरी है, आपका वीडियो पूरा छोटा आ रहा है, छोटा सा आ रहा है, आपका तो बहुत 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 चीज आएगा, आप जितना शैतानी किया ना लैपटॉप के साथ सब निकलेगा, टेंशन मत लीजिए।
ठीक है बाबू, जितना शैतानी किया ना लैपटॉप के साथ वो सब नहीं। सर व्हीकल तो कर्व में सर नॉन लीनियर दिखा दीजिए ना। अच्छा ठीक है, जैसे बाबू सर व्हीकल अरे कर्व में लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन सर, अपना व्हीकल बाबू सर लीनियर के बाद टाइप्स ऑफ लीनियर करवाएंगे ना। टाइप्स ऑफ लीनियर ऑलरेडी करवा चुके ना बाबू, अब टाइप्स क्या करवाओगे? लीनियर मोशन उसके बाद नॉन लीनियर, जैसे जैसे टाइप्स ऑफ डायग्राम बनाए ना बाबू उसी तरह से करना मोशन ऑफ बाबू व्हीकल सर। हाँ बाबू सर, आपने जो एग्जांपल दिया है लीनियर मोशन में सर थोड़ा हटी है ना, नहीं दिख रहा। ऑन स्ट्रेट लाइन कर दो शैतान मेरे दिमाग का आप लोग, ऑन स्ट्रेट लाइन व्हीकल का मोशन बाबू स्ट्रेट लाइन में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? लीनियर मोशन कहेंगे, जैसे यहाँ पे है ठीक है ना, कॉन्स्टेंट स्पीड है ना, कन्फ्यूजन हो जाता आप लोग, यहाँ से यहाँ चल गया तो वो क्या थ्रू आउट क्या है बाबू? स्ट्रेट लाइन मोशन है बाबू, पॉइंट ए से कहाँ चला गया? पॉइंट बी पे चला गया, तो इस टाइप के मोशन को क्या कहेंगे बाबू? लीनियर मोशन कहेंगे। कौन कौन आज नहीं आया है? इंजीनियरिंग क्लासेस मेरा ही है सर, नॉन लीनियर तो पता ही है ना, बताएंगे बताएंगे शैतान। चार कौन नहीं है बाबू? मात्र 11 स्टूडेंट, लोग 14 15 था ना, पता नहीं कौन कौन नहीं आया बाबू। एक सौरिया नहीं है सर, अंजलि दीदी, अंजलि के यहाँ कॉल करना पड़ेगा, तो पूछते हैं क्या हाल समाचार है, वो कहीं गई हुई है क्या बेचारी? वो तो सब सौम्या तो मॉर्निंग में आते, वो बहुत ज्यादा ओवरलोडेड है बाबू, 9 घंटे लाइव उसका क्लास चल रहा है सौम्या का, तो सिर्फ मॉर्निंग में आती है, 9 घंटे लाइव कर रही है बाबू। आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं ना बाबू, 7 बजे से क्लास है क्लास 10th का। बाय सर। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। शर्मा जी, अच्छा ठीक है।